बूढ़ा युग के सवाल का जवाब देते हुए कहता है, नहीं बिटुआ, यक्षिणी अब मर्दों को अपना शिकार नहीं बनाती। क्यों बाबा, क्या यक्षिणी यहाँ से चली गई है जो अब वो मर्दों को अपना शिकार नहीं बनाती है? वो बूढ़ा युग के पास जाते हुए कहता है, वो गई नहीं है, शांत हो गई है। शांत हो गई है मतलब? मतलब ये कि आज से 13 साल पहले उस ग्रेवयार्ड कोठी में एक लेखक बाबू रहते थे। उन लेखक बाबू को ही उस यक्षिणी ने अपना आखिरी शिकार बनाया था। तुम्हें पता है, लेखक बाबू की किसी को लाश तक नहीं मिली थी, पर उनका कमरा पूरा खून से सना हुआ था। हर जगह खून ही खून था, दीवारों पर, किताबों पर, टेबल पर, हर जगह। एक कोना ऐसा नहीं बचा था जहाँ पर खून ना हो। ये बात सुनकर योग डरा नहीं बल्कि उदास हो गया। अचानक से उसकी आंखों में नमी आ गई थी। बूढ़ा इस बात को भांप लेता है और युग के कंधों पर हाथ रखते हुए पूछता है, क्या हुआ बेटा, लेखक बाबू के बारे में सुनकर तुम्हारा चेहरा क्यों उतर गया? युग अपने दिल पर पत्थर रखते हुए कहता है, क्योंकि आप जिस लेखक बाबू की बात कर रहे हैं वो कोई और नहीं बल्कि मेरे पिता थे। क्या, इसका मतलब ये कि तुम वो लेखक बाबू के बेटे हो? हाँ, मैं उन्हीं का बेटा हूँ युग। बूढ़ा अपनी बात को आगे जारी रखते हुए कहता है, गांव वालों का कहना था कि उस यक्षिणी ने ही लेखक बाबू को मारा था। उसी दिन से उस ग्रेवयार्ड कोठी को बंद कर दिया गया और कोठी के बंद होने के साथ ही अमावस्या और पूर्णिमा की रात मर्दों के शिकार होने भी बंद हो गए। कुछ गांव वालों का तो ये तक कहना है कि शायद लेखक के साथ संभोग करके उस यक्षिणी की हवस मिट गई, इसलिए वो शांत हो गई। युग कुछ सोचते हुए कहता है, पर जब हवस मिट गई थी तो उस यक्षिणी ने मेरे पिता को क्यों मारा? और आपने कहा था कि संभोग करने के बाद यक्षिणी अपने शिकार के शरीर में से खून चूस लेती है, तो फिर मेरे पिता का खून कमरे में हर जगह कैसे फैला था? यक्षिणी ने उनका खून क्यों नहीं पिया? पता नहीं उसने लेखक बाबू का खून क्यों नहीं पिया। ये राज उनकी मौत के साथ ही ग्रेवयार्ड कोठी में दफन हो गया था। यक्षिणी हर शिकार के साथ संभोग करने के बाद सीधे उसे मौत के घाट उतारती थी, इसलिए हवस खत्म होने के बाद भी उसने लेखक बाबू को मार दिया होगा। पर कुछ गांव वालों का कहना था कि लेखक बाबू कई सालों से खोजबीन पूछताछ करके यक्षिणी पर कोई किताब लिख रहे थे, इसकी भनक उसे लग गई थी, एक ये भी कारण हो सकता है। और फिर अमावस्या आते ही यक्षिणी ने लेखक बाबू को मार दिया होगा। क्या वो किताब मुझे मिल सकती है? नहीं, वो किताब तो कहीं नहीं है, सुना है प्रकाशित ही नहीं हो पाई, शायद ग्रेवयार्ड कोठी में हो। क्या कहा आपने, ग्रेवयार्ड कोठी में? हाँ, ग्रेवयार्ड कोठी में। पर तुम्हें मैं एक सलाह देता हूँ, वो यक्षिणी शांत हो चुकी है तो बेहतर है उसे शांत ही रहने दो, उसके अंदर की वासना को फिर मत जगा, वरना पता नहीं और कितने मर्दों की जान ले ले। आप मुझे डरा क्यों रहे हैं? मैं डरा नहीं रहा हूँ, तुम्हें बस आगाह कर रहा हूँ बिटुआ, मौत के आने से पहले चेतावनी देनी पड़ती है। मतलब? तुम शहर के लोग मतलब ही बहुत होते हो बिटुआ, हर बात में मतलब ढूंढते हो। मतलब कुछ नहीं, वैसे आप बहुत कुछ जानते हो उस ग्रेवयार्ड कोठी के बारे में। आखिर कैसे? जानूंगा कैसे नहीं, मेरा पुराना रिश्ता जो है। युग उस बूढ़े को घूरते हुए पूछता है, क्या कहा, पुराना रिश्ता? क्या रिश्ता है आपका ग्रेवयार्ड कोठी से? बूढ़ा बड़ी बड़ी आंखें करता हुआ कहता है, मेहंदी पथार। युग अपना मुंह फाड़ते हुए कहता है, मेहंदी पथार मतलब? मतलब ये बिटुआ कि मेहंदी पथार स्टेशन आ गया है, चलो जल्दी उतर जाओ। ट्रेन मेहंदी पथार स्टेशन पर आकर रुक गई थी। युग और वो बूढ़ा अपना अपना सामान लेकर ट्रेन से नीचे उतर जाते हैं। स्टेशन ज्यादा बड़ा नहीं था और पूरा सुनसान पड़ा हुआ था। स्टेशन पुराने जमाने का था, लाइट भी एक दो ही जल रही थी जो बार बार बंद चालू हो रही थी। ट्रेन अभी स्टेशन से निकली ही थी कि तभी युग की नजर बूढ़े के हाथ में जो झोला था उस पर पड़ती है और वो देखता है कि उसके अंदर कई सारे कमल के फूल रखे हुए थे। युग सोचने लग जाता है कि ये बूढ़ा इतने सारे फूलों का क्या करने वाला है। जैसे ही बूढ़ा स्टेशन पर उतरा था, जल्दी जल्दी कदम बढ़ाने लग गया था, जैसे उसे कहीं जाने में देर हो रही हो। युग के मन में कमल के फूलों वाली बात खटकती जा रही थी।
उससे रहा नहीं जाता और वो उस बूढ़े से पूछ ही लेता है, वैसे बाबा आप इतने सारे कमल के फूलों का क्या करने वाले हैं? बूढ़ा अपने चेहरे पर मुस्कान लाते हुए कहता है, तो तुम्हारी नज़र चली ही गई इन पर, बड़ी तेज नज़र है। ये मेरे सवाल का जवाब नहीं हुआ बाबा, बताइए ना आप इतने सारे फूलों का क्या करने वाले हैं? अरे पूजा आने वाली है ना, उसी के लिए है ये फूल। कैसी पूजा? पूर्णिमा की पूजा। पूर्णिमा की पूजा मतलब? तुम नहीं समझोगे, तुम गांव में नए आए हो ना, धीरे धीरे समझ जाओगे। युग उस बूढ़े को हैरानी के साथ घूरे जा रहा था क्योंकि उसको उसकी बातें बिल्कुल समझ में नहीं आ रही थी। युग अपनी जीन्स पकड़ते हुए कहता है, अरे शिट, इसे भी अभी आना था। क्या हुआ बेटा, बड़ी मुश्किल में लगते हो। हाँ बाबा, वो यहाँ पर कहीं वॉशरूम है क्या? बूढ़ा अपना सिर खुजाते हुए कहता है। वॉशरूम मतलब बिटवा? मतलब टॉयलेट, पेशाब घर बाबा। अच्छा, ये बोलो ना, तुम्हें टंकी खाली करनी है? युग चिढ़ते हुए कहता है। हाँ वही। वो तो नहीं है स्टेशन पर, पूरे देश की तरक्की हो गई पर मेहंदी पथार आज भी वैसा ही है जैसा पहले था। तो फिर मैं वॉशरूम मतलब टंकी खाली कहाँ पर करूँ? अरे इतनी सारी जगह है, कहीं भी कर दो, वैसे भी अंधेरा है, कोई नहीं देखने वाला। युग थोड़ा आगे ट्रेन की पटरी के पास चला जाता है और टॉयलेट करने लगता है। युग टॉयलेट करते हुए कहता है, वैसे बाबा आपको यहाँ से कहाँ जाना है? रोगंका मुचा। मतलब आपको वो किश्नोई नदी पार करके जाना पड़ेगा? हाँ। आपको डर नहीं लगता यदि उस यक्षिणी ने आपको पकड़ लिया तो? अरे मैंने कहा ना बिटवा, उसकी वासना खत्म हो चुकी है, वो अब शिकार नहीं करती, और वैसे भी आज पूर्णिमा या अमावस्या थोड़ी है जो मुझे अपना शिकार बनाए। वैसे आप रोगंका मुचा में कहाँ रहते हो? रोगंका मुचा में किश्नोई नदी का जो घाट है ना, वहीं पर रहता हूँ। युग कुछ सोचते हुए कहता है, ये तो वही घाट है ना जहाँ पर वो यक्षिणी भटका करती थी? पापा कहते थे कि अक्सर यक्षिणी किश्नोई नदी के दोनों घाट के पास ही भटका करती थी। कोई जवाब नहीं आता है। युग फिर पूछता है, बताइए ना बाबा आप चुप क्यों हो गए? बूढ़े का कुछ जवाब नहीं आ रहा था। युग सोचने लग जाता है कि बाबा कोई जवाब क्यों नहीं दे रहे। युग अपने पैंट की चेन बंद करता है और पीछे मुड़ने लग जाता है। जब वो पीछे मुड़ता है तो उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वो बूढ़ा अचानक से गायब हो गया था। युग की समझ में नहीं आ रहा था कि वो बूढ़ा इतनी जल्दी कहाँ जा सकता था। युग अपना बैग उठाकर स्टेशन पर उस बूढ़े को ढूंढने लग जाता है और वो बूढ़ा उसे कहीं पर भी नहीं मिलता है। युग हैरान था ये सोचकर कि वो बूढ़ा एकदम से कहाँ गायब हो गया। पर थोड़ी ही देर बाद वो ये सोचकर संतुष्ट हो जाता है कि शायद वो बूढ़ा अकेले ही चला गया होगा, और अच्छा ही हुआ चला गया, वरना यक्षिणी के बारे में बातें करते वो खुद तो डरता, साथ में उसे भी डराता। युग स्टेशन से बाहर निकलता है तो देखता है कि स्टेशन के बाहर एक भी ऑटो रिक्शा वाला नहीं था। ये गांव में ना यही प्रॉब्लम होती है, टैक्सी नहीं मिलती। शहरों का विकास तो हो रहा है पर गांव आज भी गांव ही है, जरा सी तरक्की नहीं हुई यहाँ की, आज भी वैसे का वैसा है जैसा पहले था। इतना कहकर युग पैदल पैदल ही बंगला मुडा गांव जाने के लिए निकल जाता है। आधे एक घंटे में वो बंगला मुडा गांव पहुंच जाता है। बंगला मुडा गांव पार करने के बाद काला झाड़ी जंगल पड़ता है, जिसको पार करने के बाद ही किश्नोई नदी आती है, और वहीं से थोड़ी दूर पर युग की ग्रेवयार्ड कोठी थी जहाँ पर युग को जाना था। युग ने बंगला मुडा गांव तो पार कर लिया था पर काला झाड़ी जंगल के अंदर वो फंस गया था। किश्नोई नदी जाने का रास्ता वो भूल चुका था। काला झाड़ी जंगल में अंधेरा इतना ज्यादा था कि उसकी समझ ही नहीं आ रहा था कि कौन सा रास्ता कहाँ पर जाता है। युग जंगल के अंदर लगे बांस के पेड़ों को देखते हुए कहता है, अब क्या करूं? आगे का रास्ता तो भूल गया मैं, दो तीन राउंड मार लिए पर बार बार घूम फिर कर यहीं पर आकर रुक जाता हूँ। ये काली झाड़ी का जंगल तो पहेली बन गया है मेरे लिए, कुछ समझ नहीं आ रहा क्या करूं। युग अपना मोबाइल निकालते हुए कहता है, यहाँ पर तो नेटवर्क भी नहीं आ रहा कि किसी को फोन करके बुला लूं। युग के आसपास साल और बांस के पेड़ लगे हुए थे। हवा के झोंके जब भी इन बांस के पेड़ों के बीच में से निकलते थे तो ऐसा लगता था जैसे आपस में कोई फुसफुसा रहा हो। मोबाइल के टॉर्च की रोशनी में युग को ज्यादा कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। युग सोच ही रहा था कि वो क्या करे, कैसे इस जंगल में से निकले। तभी उसे किसी के कदमों की आहट सुनाई देती है। कदमों की आहट सुनकर युग सहम जाता है और सोचने लग जाता है, इतनी रात में इस जंगल में कौन होगा। युग डरने लग जाता है और सोचने लगता है कि कहीं यक्षिणी तो नहीं, पर फिर वो अपने दिल को तसल्ली देता है, नहीं
ये यक्षिणी वक्षिणी कुछ नहीं होती, सिर्फ कहानियां हैं जो मेरे पापा ने बनाई थी। कदमों की आहट धीरे धीरे तेज होती जा रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई युग के पास आ रहा हो। युग जमीन पर पड़ा बांस का टुकड़ा उठा लेता है और कदमों की आहट सुनने लगता है। तभी युग देखता है कि उसके बगल में जो बांस के पेड़ लगे हुए थे वो हिल रहे थे और आवाज उसी तरफ से आ रही थी। युग पूरी तरह तैयार हो गया था उस आहट का सामना करने के लिए। जैसे ही कदमों की आहट बंद होती है, युग की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। उसके हाथ से बांस का टुकड़ा अपने आप छूट जाता है और वो खुद डर के मारे झट से जमीन पर गिर जाता है। युग के सामने एक काला साया खड़ा हुआ था। युग डरते हुए अपना मोबाइल उठाता है और उसके टॉर्च उस काले साये पर मारते हुए कहता है, कौन हो तुम? एक लड़के की आवाज सुनाई देती है, मैं अभिमन्यु। जब टॉर्च की रोशनी उस काले साये पर पड़ती है तो युग देखता है कि वो काला साया किसी और का नहीं बल्कि उसी की उम्र के एक लड़के का था, जिसके लंबे लंबे घुंघराले गर्दन तक बाल थे और उसने आंखों में बड़ा सा चश्मा पहना हुआ था। उस लड़के के हाथ में कोई डिवाइस था जिसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कोई रीडिंग नापने वाला डिवाइस हो। अभिमन्यु युग की तरफ हाथ बढ़ाते हुए कहता है, उठ जाओ, नीचे क्यों लेटे हुए हो? युग अभिमन्यु का हाथ पकड़ते हुए कहता है, लेटा नहीं हूँ, तेरे कारण डर गया था। क्या कहा? मेरे कारण डर गया था? क्यों, तू डरपोक है क्या? क्या बोला तूने? इतना कहकर युग अभिमन्यु के चेहरे पर टॉर्च मारने लग जाता है। जब युग गौर से अभिमन्यु का चेहरा देखता है तो हैरानी के साथ कहता है, कहीं तुम अभी तो नहीं? युग अपनी बात पूरी करता उससे पहले ही अभिमन्यु भी युग की तरफ उंगली करते हुए कहता है, और तू युग है ना? इतना कहकर ही दोनों एक दूसरे के गले मिल जाते हैं। अभिमन्यु युग के बचपन का दोस्त था। युग अभिमन्यु के बालों को हाथ लगाते हुए कहता है, तू तो बहुत बदल गया है यार, बड़े बड़े बाल, आंखों में बड़ा सा चश्मा। अभिमन्यु कहता है, बदल तो तू भी गया है बहुत यार, ये बता कब आया और कहां जा रहा है तू इतनी रात में? बस आज ही आया, ये मान ले एक दो घंटे पहले, और मैं तो अपने घर ग्रेवयार्ड कोठी जा रहा हूँ। तू बता तू कहाँ जा रहा है इतने सुनसान जंगल में, वो भी इतनी रात में, और तूने ये बाल इतने बढ़ा के क्यों रखे हैं? एक पल तो मुझे लगा जैसे वो थी। अभिमन्यु हैरानी के साथ पूछता है, वो थी मतलब? युग बात को घुमाते हुए कहता है, छोड़ ना और तू पहले मेरे सवाल का जवाब दे, ये बता तू इतनी रात में यहाँ पर क्या कर रहा है? मुझे तो कुछ गड़बड़ लग रही है। यार गड़बड़ वड़बड़ कुछ नहीं है, अगर मैंने बता दिया कि मैं यहाँ पर क्या कर रहा था तो तू हंसेगा, इसलिए बेहतर होगा कि मत जान। अरे नहीं हंसूंगा भाई, पहले तू बता तो यहाँ पर क्या कर रहा था? अभिमन्यु धीरे से कहता है, मैं यहाँ पर भूत पकड़ रहा था। युग को सुनाई नहीं देता और वो फिर पूछता है, क्या कहा? अभिमन्यु युग के कान में चिल्लाते हुए कहता है, भूत पकड़ रहा था यार। अभिमन्यु की बात सुनकर युग जोर जोर से हंसने लग जाता है और कहता है, तू पागल हो गया है क्या? ये कैसी बातें कर रहा है? मुझे लगा तेरी बचपन की ये आदत भूतों पर विश्वास करने की चली गई होगी और तू अब समझदार हो गया होगा, पर तू तो अभी भी नहीं सुधरा यार, पूरा वैसे का वैसा है जैसा बचपन में था, डब्बा का डब्बा। अभिमन्यु नाराज होते हुए कहता है, मैंने कहा था ना तू हंसेगा, इसलिए नहीं बता रहा था। युग को गिल्टी फील होने लगती है और वो धीरे से कहता है, सॉरी यार, चल छोड़, ये बता क्या करता है आजकल तू? मेरी गुवाहाटी में जॉब है, अभी छुट्टियां मनाने आया हूँ। गुवाहाटी में जॉब है पर किस चीज की? अभी तो बताया। क्या बताया? भूत पकड़ने की। मैं एक सर्टिफाइड पैरानॉर्मल एक्टिविटी एक्सपर्ट हूँ, हम लोग भूत खोजने का काम करते हैं। अभिमन्यु की बात सुनकर योग अपनी हंसी रोक नहीं पा रहा था, वो हंसते जा रहा था। यार तू हंस क्या रहा है, हंस ले, जिनको कम नॉलेज होती है वो अक्सर अपने से ज्यादा नॉलेज वालों को पागल ही समझते हैं। शायद तुझे पता नहीं है हमारे इंडिया में 10 सर्टिफाइड पैरानॉर्मल सोसाइटीज हैं जो भूत खोजने का काम करती हैं। मैं भी उसी सोसाइटी से सर्टिफाइड हूँ, समझा? युग हंसते हुए कहता है, फिर ये बता कि आज तक कोई भूत खोजा है या नहीं खोजा? अभी तक तो नहीं खोजा पर जल्द खोज लूंगा। और वो कैसे? अभिमन्यु अपने हाथ का डिवाइस दिखाते हुए कहता है, इसकी मदद से। युग हैरानी के साथ पूछता है, ये क्या है? इसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड मीटर कहते हैं। मतलब? मतलब ये कि इस मीटर का इस्तेमाल एक टाइम के अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में होने वाले अंतर को जांचने के लिए किया जाता है। कहते हैं किसी जगह पर जब भूत प्रवेश करते हैं तो वहाँ की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में बदलाव आता है, इस तरह भूतों का पता लगाया जाता है। इसमें एक अलग तरह का सेंसर भी लगा होता है जो बजता है और हमें बताता है कि हमारे आसपास कुछ अदृश्य शक्तियां हैं। युग कुछ बोलता उससे पहले ही वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड मीटर बजने लग जाता है। युग हैरानी के साथ पूछता है, ये क्या हो रहा है?
ये डिवाइस इतनी आवाज क्यों कर रहा है? अभिमन्यु अपने आसपास देखते हुए कहता है, ये संकेत है कि हमारे आसपास कुछ है। युग धीरे से कहता है, मतलब भूत? हाँ। इन सदियों से है पुरानी, ये है यक्षिणी की कहानी। यक्षिणी एक आग है, यक्षिणी तेरा ख्वाब है।